दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल्थ टिप्स पे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों रात को चावल खाने के नुकसान जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, चावल हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा माना जाता है जिसे कई लोग बहुत चाव से खाते हैं और ये ज्यादातर लोगों का पसंदीदा होता है। दोस्तों इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि अगर उनकी थाली में चावल ना हो तो समझ ले कि उनकी थाली अधूरी है। असल में हर खाने वाली चीज़ की तरह ही चावल के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कई बार चावल खाने से एलर्जिक भी हो जाते हैं। चावल का सेवन करने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम चावल का अधिक मात्रा में सेवन या फिर रोज़ाना चावल का सेवन करते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा के अलावा भी किसी प्रकार का कोई पौष्टिक तत्व मौजूद नहीं होता है जो कि आस्थमा, मधुमेह के रोगियों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं, लेकिन चावल में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चावल में विटामिन सी व कैल्शियम की मात्रा ना के बराबर होती हैं, इसीलिए जब हम ज़्यादा चावल खाते हैं तो ये हमारे हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात को चावल खाने के नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों ज़्यादा चावल का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चावल में फैट अधिक होने के कारण ये मोटापे का एक कारण बन सकता है, इसीलिए जो लोग पतला होना चाहते हैं उन्हें चावल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और जो मोटापे से ग्रस्त लोग होते हैं उनके लिए चावल बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए चावल का सेवन सोच समझ कर ही करना चाहिए और ख़ास करके इसे रात के समय यानी कि डिनर में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाने का दूसरा नुकसान ये है कि ये मधुमेह रोगी में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। चावल का अत्यधिक सेवन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि चावल का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर हाई लेवल तक पहुंच जाता है, इसीलिए मधुमेह रोगियों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। अगर वो लोग चावल के बिना नहीं रह पाते हैं तो उन्हें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्राउन राइस पॉलिश वाले चावल की तुलना में कम नुकसान देने वाले होते हैं, इसीलिए आप मधुमेह रोगी है तो आप वाइट चावल के बदले ब्राउन राइस खा सकते हैं। दोस्तों चावल खाना आपके आलस्य को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, चावल खाने के नुकसान में एक नुकसान ये भी है कि इससे हमारे जीवन में आलस्य आता है। जब भी हम चावल का सेवन करते हैं तो शरीर में आलस्य का आना एक आम बात है। जो लोग खाना खाने के बाद यानी कि रात के वक्त काम करते हैं उनके लिए चावल का सेवन सही नहीं होता। चावल खाने के बाद शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती है, जिससे कि नींद आनी शुरू हो जाती है और शरीर में आलसपन होने लगता है। तो दोस्तों इसीलिए जो लोग खाना खाने के बाद काम करते हैं उन्हें चावल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आस्थमा में नुकसानदायक है चावल का सेवन। जी हाँ दोस्तों, आस्थमा से पीड़ित लोगों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। इसका कारण ये है कि चावल की तासीर ठंडी होती है, जिससे कि आस्थमा के मरीजों में सांस की समस्या पैदा हो सकती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि चावल खाने से आस्थमा की समस्या का खतरा 90% यानी कि 90% तक बढ़ जाता है, इसीलिए जितना हो सके आप चावल से दूरी बनाकर रखें, यानी कि आस्थमा के रोगी के लिए यही सही है कि वो चावल से दूर रहें। चावल खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ज़्यादा चावल खाने से पेट की कई सारी बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती हैं, क्योंकि चावल में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि हमारे शरीर का पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है और कब्ज, पेट, मरोड़, एसिडिटी आदि बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों चावल खाने का एक और नुकसान ये भी है कि चावल हड्डियों को कमज़ोर करता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन सफ़ेद चावल में विटामिन सी की मात्रा कम होती है, जिसके कारण हड्डियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके चलते धीरे धीरे हड्डियां नाजुक होने लगती हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया है रात को चावल खाने के नुकसान। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल से दूरी बनाकर रखें
और अगर आप खास मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप चावल को भूल जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।